और यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, देश का दुर्भाग्य है, जिस अखिल भारत हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि के लिए मुकदमा लड़ा, उसे ही आज उसकी राजनीति के तहत मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट से दूर रखा गया। और आज अखिल भारत हिंदू महासभा के इस कार्यालय पर जो बैठक की गई, उसका मुख्य उद्देश्य है राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम जन्मभूमि का मुकदमा हिंदू महासभा 1949 से लड़ रही है और हिंदू महासभा के नेताओं पर आरोप लगा था, जिसमें महंत दिग्विजयनाथ सहित अनेक ऐसे नेता थे कि उन्होंने ही राम जन्मभूमि में मूर्तियां रखी थी और इसका वाद सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया था। लेकिन हिंदू महासभा को एक अच्छी राजनीति के तहत इस ट्रस्ट से जो मंदिर निर्माण करे उसे अलग कर दिया गया। प्रदेश में केवल हमें छोड़कर किसी और को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूजन में न्योता नहीं भेजा गया, तो हिंदू महासभा उसका विरोध करती है और जो ट्रस्ट बनी है उससे मांग करती है कि हिंदू महासभा को भी ट्रस्ट में रखा जाए।